इस समय मेरे साथ है रिश्तों वाली लड़की, मुझे लगता है पवित्र रिश्ता रिश्तों वाली लड़की, सब तो रिश्तों से जुड़ा हुआ है मेरा सब कुछ। हाँ, तो ये नया टाइटल मिलके कैसा लगा? थोड़ा प्रेशर फील नहीं होता है? नहीं, प्रेशर फील होता, मुझे लगता है मैं सच में ऐसी हूँ। जो आप जब सच में आप रियल में ऐसे होते तो आपको कभी रिश्तों का प्रेशर नहीं लगता। मुझे लगता है रिश्ते हमेशा सुंदर होते हैं और वो हमेशा पास होने भी चाहिए। आप अपने एक रिश्ते के साथ यानी कि हस्बैंड के साथ घर के अंदर गई, और मुझे अच्छे से याद है कि विक्की की सिर्फ एक इच्छा थी कि मैं भी एक सेलिब्रिटी की तरह बनूं, मुझे सिर्फ अंकिता की फोटो की बस। और वो जो एयरपोर्ट पे मैंने फुटेज देखी ना, जब लोग उसके साथ फोटो खिंचा रहे थे और आप साइड में खड़ी थी, तो मैंने कहा आज तो विक्की को बहुत, मतलब लोग ये कह रहे थे कि देखो विक्की की इच्छा कम से कम पूरी हुई। आई थिंक वो डिजर्व करता है वो, क्योंकि उसकी जर्नी बिग बॉस की बहुत अच्छी रही है। आई थिंक जिस तरीके से विक्की ने अपना गेम खेला है, मैं भी उसके साथ एक फोटो खिंचवाना चाहूंगी। आपकी तो बहुत सारी फोटोग्राफ्स है। तो आज वैलेंटाइन डे पे कुछ स्पेशल मिला? मैंने आपका इंस्टा स्टोरी देखा, कुछ खास मिलने वाला था आपको? अरे हम लोग जाने वाले थे जंगल सफारी पे, लेकिन आप लोगों के इंटरव्यूज थे, मैंने सोचा मैं अपने काम को प्रायोरिटी पे रखूंगी। मैंने नया सीखा है, प्यार पहले नहीं होता, काम पहले होता है, तो मैंने डिसाइड किया मैं काम को इम्पोर्टेंस दूंगी, इसीलिए बिलासपुर नहीं जा पाई, वरना वहां से जाते। लेकिन ऑफकोर्स अभी ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए नहीं जा पाए। आपने बिलासपुर की बात की, तो लोग जो है मतलब आपको छोड़ने वाले तो है नहीं, अब लोग कह रहे हैं कि देखो विक्की मम्मी को छोड़ने के अंकिता अभी तक ससुराल नहीं गई। हाँ, क्योंकि मेरा यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम बचे थे और वो करना भी बहुत ज़रूरी था, लेकिन विक्की को खुद जाना था बिलासपुर, उसके काम बहुत सारे, वो अपना काम कर रहा है वहाँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। अंकिता अगर बात करूँ तो बाहर आने के बाद कहीं ये बात रियलाइज़ हुई कि मुझे या विक्की को अकेले अकेले ही जाना चाहिए था, साथ में नहीं जाना चाहिए था? नहीं, ऐसा मुझे किसी भी हालत में नहीं लग सकता कि मुझे अकेले जाना चाहिए था, क्योंकि मैं अगर अकेली होती तो मैं पहले ही चली जाती बिग बॉस में। इतने सालों से मैं बिग बॉस, मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा गेम शो है जहाँ आपके झगड़े ही आपके दोस्तों की वजह से या अपने लोगों की वजह से होते हैं, आप लड़ते हो इमोशनल सपोर्ट के लिए, यू नो। तो जब मैं अपना इमोशनल सपोर्ट मेरे पास था तो मैं उसके बिना कैसे जा सकती थी वहाँ पर, और मेरे लिए हो सकता है गेम अलग होता, क्योंकि ऑफकोर्स विक्की नहीं होता तो मैं किसी और चीज़, मेरी कुछ और चीज़ें हो रही होती, लेकिन विक्की था तो मैं शायद इतने दिन वहाँ पर सर्वाइव कर पाई यू नो अच्छे से, वरना मैं अब मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि मैं अपने फैमिली के बिना या अपने हस्बैंड के बिना कहीं इस तरी इस ऐसे गेम शो में जहाँ पे लोग आपको नोचने के लिए खड़े वैसे चली जाऊँ तो यार। अपना टॉप थ्री में नहीं आने का ज़्यादा दुख था या विक्की का टॉप फाइव में नहीं आने का? आई थिंक दोनों ही, मैं दोनों के लिए बोलूँगी, क्योंकि मैंने भी उतनी मेहनत की थी, लेकिन मुझे लगता है विक्की को टॉप फाइव में डेफिनेटली होना चाहिए था। मतलब विक्की ने बहुत, आई थिंक विक्की ने मुझे कहीं ना कहीं, मैंने जितना शो देखा है या समझा है, विक्की वॉज एवरीवेयर, यू नो। उसका गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे या उसका एंटरटेनमेंट देखे या उसकी मस्ती देखे, उसने हर किसी को जगा के रखा था। तो जब लास्ट चार दिन जब विक्की नहीं था ना उस घर में सन्नाटा पड़ा हुआ था लिटरली, क्योंकि विक्की हंसता रहता था, बात करता रहता था या किसी को उकसाता रहता था, कुछ ना कुछ करता रहता था। तो मुझे लगता है कि विक्की ने इस बार इस बिग बॉस को कुछ अलग एक वो दिया है कि ये विक्की भाई है, यू नो, विक्की भैया है। सो आई थिंक उसको टॉप फाइव में डेफिनेटली होना चाहिए था, और मुझे तो नंबर वन होना चाहिए था, बट मुनावर ले गया, कोई बात नहीं, बट इट्स ओके। आई थिंक जो भी उस जर्नी में वहाँ तक पहुँचे हैं, मुझे लगता है कि वो सब डिजर्व करते हैं, वो सब एक पोजीशन पर होते हैं, बस वोट्स किसको ज़्यादा और कम मिलते हैं वो रहता है। और मुन्ना को बहुत वोट्स मिले होंगे आई एम श्योर, बिकॉज उनकी फॉलोअरशिप बहुत ज़्यादा है, यू नो, उनका एक रीच है जो बहुत ज़्यादा है, सो उसको भी मिला है तो कोई गम नहीं, अपने ही घर आई है ट्रॉफी। पर कहीं ना कहीं ये बात अब चर्चा का विषय बनी चुकी है कि आपके फॉलोअर्स अच्छे होने चाहिए तो आप जीतेंगे, मतलब गेम कुछ नहीं रहा, आपके फॉलोअर्स पे सब हो गया, उनका फॉर्मेट ही ऐसा है, अब हम क्या कर सकते हैं। मुझे भी लगता है कि यू नो ये शो अब फिर कोई खेलेगा ही नहीं अगर आपके फॉलोअर्स होते हैं, यू नो, मुझे ऐसा लगता है। बट ऑफकोर्स अब ये फॉर्मेट है और जिसमें वो सी पांच टॉप फाइव डेफिनेटली डिजर्व, हर कोई डिजर्व करता है, लेकिन फिर उसके बाद अब जिसकी वोटिंग होगी उसी को मिलेगा, आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि वो इतने सालों का फॉर्मेटिक चलते आ रहा है। लेकिन हाँ, अपनी अपनी चॉइसेस होती है, और जब लोग आकर आपको बोलते हैं ना कि हमारे लिए आप जीत गए, और जब स्पेशली सलमान सर आप बोलते हैं ना कि यू आर द विनर फॉर मी, दी एंड फॉर मी, यू नो आई एम द विनर फॉर हिम, दैट्स इट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ट्रू ट्रू। रीयूनियन पार्टी में हमने देखा, हमने सोचा था कि शायद हमें देखने को मिलेगा मनारा अलग डांस कर रही है, अंकिता अलग है, लेकिन हमने देखा वो बहुत अच्छा वीडियो था जहाँ जस्ट चिल आप, मनारा और विक्की तीनों कर रहे थे। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उस घर में जो चीज़ें हो गई ना वो हो गई मैम, बहुत मतलब मैं नहीं, मैं क्या रखूँ अंदर, और ना क्या वो भी क्या रखे। सी
अगर किसी को रखना है तो मैं रोक नहीं सकती, लेकिन मैं और विकी दोनों ऐसे हैं यू नो, जब जो चीज़ होती है वहीं भूल कर हम आगे बढ़ना ज़रूर हम सोचते हैं। और मनारा के साथ मेरा कोई ऐसा कोई दुश्मनी नहीं थी यू नो, वो चीज़ें वहाँ सिचुएशनल थी और जो हुई वो फील किया उसने भी बोला मैंने भी बोला और वो ख़त्म हो गई वहाँ पर। और शुरुआत किसने की? मनारा ने डेफिनेटली, क्योंकि वो मेरा और उसका बहुत, मैंने जो एपिसोड्स भी देखे ना मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा रिलेशन था मेरा और मनारा का, बहुत अच्छा रिलेशन था। मैं अभी जब रियलाइज करती हूँ, पर धीरे धीरे जब मनारा को उसको कुछ लगने लगा, और क्या होता है ना मैम उस घर में भड़काने वाले लोग बहुत होते हैं जिन्होंने भड़काया मनारा को, जो मैंने देखा ठीक है। और वो क्या होता है कान, मनारा थोड़ी कान की कच्ची हो गई मुझे ऐसा लगता है, तो जब उसको ना उसको समझ भी नहीं आया, लेकिन मैं हमेशा से ना मनारा के लिए बहुत अच्छा चाहती थी और मैं एंड एंड तक मनारा को बोलती थी कि मुझे सभी के लिए बहुत अच्छा चाहती थी, जो भी रोता था अंकिता का कंधा था गया। अरे यार अब लोगों को ये भी नकली लगता था, अब मैं क्या करूँ मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो मैं क्या बोली, घर में जब आप अकेले रह जाते हो ना, जब कोई इंसान रो रहा होता है ना, मुझे बस एक फीलिंग आती थी कि मेरे पास एक इंसान है जिसको मैं पकड़ के रो सकती हूँ। उस घर में जब कोई रोता था मुझे लगता था मुझे ये रो रहा है, जिस एक हक कर लेती हूँ शायद एक सुकून मिल जाए यू नो, क्योंकि उस टाइम आपके पास कोई नहीं होता है उस घर में संभालने के लिए, क्योंकि एक इंसान आपके लिए कुछ गलत बोल देता है ना तो आपके अगेंस्ट सब लोग हो जाते हैं तुरंत। वीकेंड के बारे में अगर सलमान सर ने एक को पॉइंट आउट किया ना तो सब गलत। तो मुझे लगता है कि वो मैं थी कि मुझे मनारा भी रोती थी तो मुझे सच में नहीं अच्छा लगता था, तो मैं उसे हक कर लेती थी या कोई भी रोया हो, मुझे लगता है कि यू नो मैं इतना समझती हूँ इमोशंस को, मेरा मैं हुई रिश्तों वाली लड़की तो मैं क्या कर सकती। बिग बॉस का आप लोगों का सीजन का ग्रुप बना? हर सबका व्हाट्सएप ग्रुप है हर सीजन का, आप लोगों का बना या नहीं? नहीं नहीं हमारा ग्रुप नहीं बना यार, अब मुझे ही बनाना पड़ेगा लगता है। एक्चुअली आने के बाद इतना बिजी है हम लोग अपने अपनी चीज़ों में कि शायद वो ग्रुप नहीं बना, लेकिन ऑफकोर्स अच्छा आइडिया है, मैं अभी बनाती हूँ। और क्या नाम रखेंगे उस ग्रुप का? रिश्तों वाला ग्रुप। सो स्वीट। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन मनारा की साड़ी पहनी? हाँ जी। और उसकी साड़ी पहन के क्या कहानियां बनी? टॉप फाइव में उसने आपका सूट पहना था जी। अच्छा याद है आपको? मैंने लाइट में देखा क्या हुआ था, ब्लाइंड्स बंद हो जाती हैं उस घर की और वो बाहर सेटअप लगना था और हम लोगों ने नहा धो के हम लोग अंदर चले गए, तो फिर बिग बॉस ने हमको लगा कुछ बड़ा होने वाला है तो बिग बॉस ने बोला आप लोग तैयार हो जाइए, मेरे कपड़े सारे बाथरूम में रखे हुए थे। तो फिर मनारा को मैंने रिक्वेस्ट किया, मनारा कहना है तेरे पास कुछ है तो तू दे दे। एंड इट वॉज, अब क्या होता है घर में आप एक दूसरे के कपड़े पहनते हो, और ये मुझे बाद में पता चला, इट वॉज वेरी फनी। और जब ये बात तो मुझे पता भी नहीं थी, तो जब मेरा काला सूट था तो मैंने ही मनारा को बोला था, और आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं आती कि मैंने तेरा पहना तो तू मेरा पहन ले, इट्स नॉट। और उसके भी मन में वो चीज़ नहीं आई थी, उसने बहुत दिल से मुझे वो साड़ी दी थी और बाहर आके कुछ स्टोरीज पता चली, बट इट्स ओके। कपड़े सबके पास होते हैं बट पहन लिए, मुझे बहुत अच्छी लगी मनारा वो साड़ी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल आपने वो साड़ी दी, थैंक यू। अभी हाल ही में बहुत सारी चर्चाएं आ रही हैं कि भाई अंकिता जो है वो तो अंकित गुप्ता के साथ नागिन बन रही है, नहीं अभिषेक के साथ बन रही है, तो किसके साथ काम करना पसंद? मैं नागिन अभी नहीं बन रही हूँ फिलहाल, मैं बिल्कुल भी नागिन नहीं हूँ क्योंकि नागिन मुझे अप्रोच नहीं हुआ है और सिर्फ ये रूमर्स थे तो मैं इसे बिल्कुल डिक्लाइन करती हूँ। लेकिन ऑफकोर्स सब लोग इतने टैलेंटेड हैं, अंकित हो या यू नो अभिषेक हो, और डेफिनेटली इतने काम आई एम वेरी श्योर कि हो सकता है कि फ्यूचर में हम सब एक दूसरे के साथ काम करते नजर आए, सब टैलेंटेड है और मैं सबके साथ काम करना चाहूँगी। अंकिता आखिर में मैं जानना चाहूँगी कि घर में आपके बहुत अच्छे रिश्ते बने, पर कहीं आपको लगता है कि आपके कुछ अच्छे मतलब दोस्त के थे लेकिन वो बहुत बिटर भी हो गए? मैं नील और ऐश्वर्या की भी बात आई थी, नील ऐश्वर्या कभी मेरे दोस्त नहीं थे, वो विक्की के बहुत क्लोज थे हमेशा, यू नो स्मार्ट जोड़ी में विक्की की बहुत जमती थी नील से, तो विक्की की वजह से कहीं ना कहीं यस आई वॉज कनेक्टेड, बट ऑफकोर्स एक रिश्ता हमारा, हम जानते थे एक दूसरे को पहले से, लेकिन उस घर में जाने के बाद भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं और मैंने अपनी तरफ से हमेशा एक कोशिश की कि मैं ऐश्वर्या के पास जाऊँ या मैं नील के पास जाऊँ, मैं अपनी तरफ से वो दिखाने की कोशिश की, लेकिन आने के बाद बात हुई कि क्यों इतना सारा इतना कुछ हो जाता है ना कि आप वहाँ बात करने की ज़रूरत नहीं, हर किसी को आप खुश नहीं रख सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। मैं अपने रिलेशनशिप्स की बात कर सकती हूँ जहाँ पे मैं बाहर आने के बाद उन्हें सॉर्ट करने की ज़रूर कोशिश करूँगी अगर कुछ ख़राब होगा, तो मैं हर किसी के पास नहीं जा सकती, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उन्हीं को पहले सॉर्ट करना चाहूँगी, और मैंने उस घर में वाकई में कोशिशें की हैं, लेकिन अब मैं एक चीज़ सीखी हूँ कि हमेशा आप अपनी तरफ से कितना करोगे, आगे से भी तो कुछ मिलना चाहिए। अगर मेरे को एक चीज़ दिखेगी ना वहाँ से तो मैं 100 चीज़ें दूंगी, पर मुझे दिखे तो एक चीज़, यू नो, सो आई थिंक दैट्स इनफ।
आपने एक इंटरव्यू में बोला था ब्रेक पे जाने की बात कही थी। नहीं, मैंने सोशल मीडिया से ब्रेक पे जाने की बात की थी, क्योंकि जब मैं आई थी मेरे लिए बहुत टॉक्सिक था टू वॉच एवरीथिंग एंड जो भी हो रहा था, लेकिन आई एम परफेक्टली हेल्दी फ्रॉम मेंटली नाउ, मुझे लगता है कि आई एम रेडी टू टेक एवरीथिंग। तो मैंने सोचा था मैं सोशल मीडिया से सच में ब्रेक लेना चाहूँगी, क्योंकि वही चीज़ें देख देख कर ना आपका कहीं दिमाग सच में ख़राब होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो आपको नहीं करनी चाहिए। आपके फैंस डर गए थे आपने ब्रेक की बात की। नहीं नहीं नहीं, वैसा ब्रेक बिल्कुल भी नहीं है गाइस, मैं कभी ब्रेक पे अब नहीं जाऊँगी। सो आपको और विक्की को एक साथ फिर से किसी प्रोजेक्ट में देखना चाह रहे हैं। हाँ। विक्की ने बताया था कि वो शायद कुछ अपना प्रोडक्शन शुरू करेंगे। हाँ। बहन मम्मी सब हाँ। मिलके कुछ ब्लॉग्स। अच्छा, मुझे नहीं पता। यस, मेरी इंटरव्यू में बताया था। पता नहीं फिर विक्की करेगा तो मुझे ये नहीं पता। मैं उसके ब्लॉग तो नहीं पता, लेकिन हाँ मैं विक्की से थोड़ी एक्टिंग जरूर कराना चाहूंगी अगर उसको मौका मिला तो। मैं चाहती हूँ मैं देखना की एक्टिंग, देखते हैं अगर जो भी आएगा विल डेफिनेटली वर्क ऑन समथिंग। थैंक यू।